और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं टैप टू टर्न ऑन, तो मैं यहाँ पर टच करूँगा, यहाँ पर देखिए ये लाल लाइट जल गई है और मेरा हीटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। और अब जो है इसको ऑफ करना हो, टैप टू टर्न ऑफ, टर्निंग ऑफ आ रहा है और आप ये देखिए मेरा हीटर आपके सामने ही खुद बा खुद बंद हो गया है। ये है सुखदेव तनेजा चैनल, आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो में जो है हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों इस बार हमने मंगवाया है जेनपल्स ब्रांड का स्मार्ट वाईफाई अनेबल्ड हीटर। तो दोस्तों आपने बहुत सारे नॉर्मल हीटर देखे होंगे, पर ये वाला जो हीटर है इसमें आपको स्मार्ट ऐप का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपके पास पुराना हीटर है तो आप चाहो तो जेनपल्स ब्रांड का ये स्मार्ट सॉकेट खरीदकर उस हीटर को भी स्मार्ट बना सकते हैं। चलिए मैं फटाफट आपको इसके फीचर बता दूं। तो दोस्तों जो मॉडल मुझे मिला है वो है जेनपल्स एम्ब्रस प्लस स्मार्ट रूम हीटर। इसके लेफ्ट साइड जो है एक प्रकार का QR कोड है जिससे आप जेनपल्स की जो है ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये कौन से साल और मंथ में बना है। तो दोस्तों इस तरफ जो है आप देखोगे तो इसमें जो है इसका प्राइस लिखा है 3000 के आसपास। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपको ये 1300 रुपए के आसपास मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड डालोगे जो कि है सुखदेव तनेजा, तो जैसे मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे टच करता हूँ और मेरा कूपन कोड है सुखदेव तनेजा इन स्मॉल कैपिटल और अप्लाई पे टच करना है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इंस्टेंटली जो है 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब जो है हम अपना स्मार्ट रूम हीटर को आउट ऑफ बॉक्स निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो हमने जो है अपना हीटर आउट ऑफ बॉक्स निकाल लिया है, तो फर्स्ट लुक आप इस हीटर का देख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और आप इस हीटर को दो तरह से, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपको क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों यहाँ पर आप ये दो कंट्रोलर देख रहे हैं, इससे आप इसका टेम्परेचर सेट करेंगे और दूसरे वाले से जो है आप इसका जो फिलामेंट है उसकी सेटिंग करेंगे। इसमें जो है ड्यूल सेटिंग है, मतलब आप चाहो तो जैसे आप ये बिंदी देख रहे हैं 1, तो यहाँ पर आपका 1 फिलामेंट जलेगा। अगर आप 2 बिंदी पर सेटिंग करोगे तो आपके ये दोनों फिलामेंट जलेंगे। 2 फिलामेंट जलने पर जो है ये आपका 2000 वाट जो है ये बिजली कंज्यूम करेगा और 1 बिंदी पर जो है ये 1000 वाट बिजली कंज्यूम करेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से जो है हवा ठंडी जाएगी और आपकी गर्म हवा जो है यहाँ से आएगी। लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका एक हैंडल भी है और यही जो है इसको सपोर्ट भी देता है कि अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं तो उसी हैंडल के बलबूते जो है ये हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा। दोस्तों इसकी बैक साइड जो है इसकी टेक्निकल डिटेल बताई गई है जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ जो है एक यूजर मैनुअल आया है, तो इसमें एक एक स्टेप बताया गया है कि आपने इसे कैसे ऐप में कंट्रोल करना है, कैसे इसके फंक्शन को ऑपरेट करना है। तो मैं एक एक चीज़ जो है आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास जो है कई प्रकार के साइंटिफिक डिवाइस हैं, तो मैं एक एक चीज़ जो है बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, तो मेरी वीडियो जो है एंड तक आप ज़रूर देखना। फ्रेंड्स हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़ोन पे स्टोर का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा पार्ट है इस हीटर में, तो इसी में जो है इसका ऑन ऑफ बटन है और इसी से जो है आप इसको सेट कर पाएंगे कि भैया इसको आपने वाईफाई से कंट्रोल करना है या मैनुअली कंट्रोल करना है। तो लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्या आप इस हीटर को मैनुअली भी चला सकते हैं, तो मेरा आंसर है बिल्कुल चला सकते हैं। वाईफाई चलाना है तो आपको शायद यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी, अभी मुझे पता नहीं है कुछ। और दूसरा है दोस्तों, अगर आपने इसको वाईफाई अनेबल ऐप में चलाना है तो आपके घर में हाई स्पीड इंटरनेट होना ज़रूरी है, तभी जो है आप इसको स्मार्टफोन से चला पाएंगे। और आप इसका जो है सॉकेट देख सकते हैं, तो 16 एम्पेयर वाला ये पावर सॉकेट है, तो बड़े सॉकेट में लगेगा, जैसे आप ये देख रहे हैं तो बड़े सॉकेट में लगाएं। अब जो है हम इसके सारे फीचर जो है डिटेल में समझेंगे। मेरी हैबिट है दोस्तों कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ फुल डिटेल में बताऊं, जिससे आपको सारी नॉलेज जो है उस प्रोडक्ट के बारे में हो। ये इसके साइलेंट फीचर है, आप जो है इसमें शेड्यूल सेट कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आप जो है अपने इस हीटर को अपने स्मार्ट ऐप के द्वारा पेयरिंग करा लें। और इसमें जो है ग्लोबल रिमोट एक्सेस है, मतलब दूर बैठे बैठे आप इसको
कंट्रोल कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। वाईफाई अनेबल है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं तो इसी में जो है वाईफाई टाइप जो है इसका डिवाइस होना चाहिए। ड्यूल हीटिंग सेटिंग है, जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये जो है इसकी ड्यूल हीटिंग सेटिंग है। सेफ्टी टिप ओवर स्विच है। प्रोसेस्ड क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट इसमें लगा हुआ है। इसके मोटर की जो स्पीड जो है वो है 2400 RPM, तो आप ये पास से देख सकते हैं। और ये मैक्सिमम टेम्परेचर सपोर्ट करता है वो है 130। जब भी इसका टेम्परेचर 130 तक जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है इसके एलिमेंट जो हैं अपने आप बंद हो जाएंगे। अब जो हम सेलर की फोटो से समझते हैं इसके और फीचर, तो ये हीटर की नॉर्मल फोटो है। आप देख सकते हैं कि भारत का पहला स्मार्ट हीटर है। और सेम फीचर जो है मैं अभी बता चुका हूँ, जैसे ऐप एसएस कंट्रोल रिमोटली, स्मार्ट शेड्यूल, वाईफाई अनेबल। तो दूसरी फोटो में भी इसके सेम फीचर वही के वही बताए गए हैं, जैसे ड्यूल हीटिंग सेटिंग, नॉइस लेस ऑपरेशन, मतलब ये बिल्कुल भी नॉइस नहीं करता है। सेफ्टी टिप ओवर स्विच है। स्लीक एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। आप इसको बड़ी आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। हैंडी एंड पोर्टेबल है। और प्रोसेस्ड क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट है। और इसमें जो है पावर कंजम्पशन जो है 2000 वाट है। अगर आप इसको 1 सेटिंग पे करोगे तो फिर जो है ये 1000 वाट बिजली कंज्यूम करेगा। तो आप जो है ये भी चेक कर सकते हैं कि ये कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। तो इसके लिए जो है आपको जेन पल्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसमें जो है एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम है। दोस्तों अगर आप बाहर हैं कहीं अंदर कमरे में आना चाहते हैं तो आप अपने कमरे को प्री वार्म्ड कर सकते हैं बाहर बैठे बैठे। मतलब जैसे आप 5 मिनट में कमरे में आने वाले हैं तो आप जो है दूर बैठे बैठे इस हीटर को चला सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपके मोबाइल में इसकी ऐप होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हॉनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। तो आपको जो है इंस्टेंट चैट सपोर्ट मिलेगा। तो सेम फीचर फिर दोबारा बताया गया, भैया इंडिया का ये सबसे पहला स्मार्ट हीटर है। और आप इस हीटर को जो है सर्दी में भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको गर्मी में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसको फैन मोड में इसको रखना होगा। तो दोस्तों आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलेगी। 2400 RPM की जो है इसमें मोटर है। पावर कंजम्पशन जो है 2 kW मैक्सिमम है। ड्यूल हीट सेटिंग है। कॉपर वाइंडेड इसमें मोटर है। लाइट वेट बॉडी है, तो आप इसको बड़ी आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। आप ये देखिए मैं बड़ी आसानी से इसको उठा रहा हूँ। इसमें जो है ये कुछ और नए सेफ्टी फीचर बताए गए हैं कि इसमें जो है ऑटो कट ऑफ है। तो जैसे 130 डिग्री टेम्परेचर पहुँचेगा तो इसकी जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। दोस्तों सेफ्टी फ्यूज है, अगर किसी कारणवश जो है 126 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाए तो इसके अंदर जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा और इसको बंद कर देगा। और इसमें जो है मेटल ग्रिल दी गई है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया सी मेटल ग्रिल दी गई है ताकि आप जो है गलती से इसके एलिमेंट्स को टच ना कर पाएं। दोस्तों इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी है वो जो है फायर रेजिस्टेंट है। अगर किसी तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इसकी बॉडी जो है आसानी से मेल्ट नहीं होगी, आग नहीं लगेगी उसमें। क्वालिटी मीट्स द टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप जैसे ये देख रहे हैं इसमें आप इसके मोड बदल सकते हैं और यहाँ पर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो ये दो बटनों के बारे में बताया गया है और बाकी फीचर जो है सेम ही है जो मैं आप पहले बता चुका हूँ। अब जो हम इस हीटर को ऑन करते हैं और फिर जो है अपने स्मार्ट फोन में जो है इसको पेयर करेंगे तब आपको हम दिखाएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों हमने जो है इसको पावर से कनेक्ट कर दिया है, तो चलिए मैं ऑन कर देता हूं। और आप ये देख रहे हैं ये तो दिखा रहा है कि भैया इसको पावर मिल रही है। और ये वाईफाई की जो है ये लाइट इंडिकेट कर रहा है कि भैया आप इसको अपने स्मार्टफोन से पेयर करें। पहले मैं आपको ये चला कर दिखा देता हूँ। इसकी परफॉर्मेंस जो है मैं कई प्रकार के साइंटिफिक डिवाइस से जो है चेक करके दिखाऊँगा। तो अभी जो है ये ऑफ हो रहा है, तो जैसे फैन मोड में करोगे तो ये चल पड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका एयर फ्लो जो है काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले जो है मैं इसका साउंड लेवल चेक करके दिखाता हूँ जो कि है 57 dBi। और अब जो है इसका एयर फ्लो देख सकते हैं, तो इसका एयर फ्लो जो है सचमुच काफ़ी तेज है। तो इतना छोटा हीटर होते हुए भी इसका एयर फ्लो जो है आप देखेंगे तो ये 1.9 मीटर पर सेकेंड जो है इसका एयर फ्लो दिखा रहा है। आप ये देखिए, तो थोड़ा इसकी रेंज में रखना पड़ेगा मुझे।
बहुत ही अच्छा एयर फ्लो है। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अगर आप टिश्यू पेपर टेस्ट देखेंगे तो आप ये देखें, तो ये मैंने स्ट्रिप्स काटी हुई हैं, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि सीलिंग फ़ैन जैसा तेज़ तो नहीं होता, पर ये अगर आप पास रखोगे तो आप इसको गर्मी में भी एज ए फ़ैन यूज़ कर सकते हो। अब जो है मैं इसको नंबर 1 सेटिंग पे कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है हीटिंग जो है शुरू हो जाएगी, और अब जो है ये 1000 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा है, और हीटिंग जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैंने इसको मैक्सिमम कर दिया है। सराउंडिंग टेम्परेचर जो है 18.6 सेंटीग्रेड है। अगर मैं इसके एलिमेंट के आसपास का टेम्परेचर आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं 77, 96, तो धीरे धीरे जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर आप चेक करेंगे मॉइस्चर मीटर में तो ये एक प्रकार का डिजिटल ह्यूमिडिटी मीटर है, तो ये देखिए ऊपर की रीडिंग जो है आप देख रहे हैं, तो तेज़ी से जो है मॉइस्चर घट रहा है और नीचे जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि भैया ये हीटर कितना इफ़ेक्टिवली आपके कमरे को गर्म कर रहा है। तो ये देखिए अब टेम्परेचर जो है 36.3 बढ़ गया। अब जो है मैं इसकी सेटिंग को और बढ़ा देता हूँ, मतलब फुल हीटिंग में कर देता हूँ, और अब जो है अगर आप इसके एलिमेंट का टेम्परेचर देखोगे तो ये देखिए अब तो हीटिंग मेरे चेहरे पर भी आ रही है, बहुत तेज़ हीटिंग आ रही है, और जिससे मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है कि मैं टेम्परेचर जो है बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब ये देखिए 153, 181, 197, तो मैं एक दो मिनट और दे देता हूँ, और हम वापस आते हैं अपने डिजिटल ह्यूमिडिटी मीटर पे। और अब देखिए आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए, इतना तेज़ है कि मेरी उंगलियाँ तक गर्म हो रही है। मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ क्योंकि मैंने मैक्सिमम हीटिंग करके, अब ये देखिए तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है 47.5 डिग्री 48, और ह्यूमिडिटी पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मॉइस्चर हवा से कम होता जाता है। तो आपने जब भी इसको यूज़ करना है तो ऐसे यूज़ करना है कि भैया आपको ज़्यादा हीटिंग ना फील हो, मतलब एवरेज में रखें ताकि आपका बिजली का बिल भी कम आए और आपको हीटिंग प्रॉपर मिले। ह्यूमिडिटी जो है 14.5 दिखा रहा है, ये देखिए 60 डिग्री तक आ गया है। तो चलिए मैं फटाफट जो है इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि आप इस स्मार्ट हीटर को कैसे जेनपल्स की जो ऐप है उससे पेयर करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इसमें सारे टिप्स जो हैं इसके यूज़र मैनुअल में लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आपने जेनपल्स की जो है ऐप डाउनलोड करनी है अपने स्मार्टफोन में, और फिर रजिस्टर करना है बाय एडिंग योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और अब जो है मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो ये देखें ये लाइट ब्लिंक कर रही है। अगर ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है तो आप इस बटन को थोड़े सेकंड के लिए दबाओगे तो ये सेटिंग मोड में आ जाएगा। ये हमारा हीटर चल पड़ा है, तो हम इसको फ़ैन मोड में कर देते हैं। तो ये फ़ैन मोड में है, अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा तो शायद फिर ये पेयरिंग ना करे। चलिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एडिट डिवाइस, तो यहाँ पर आपने टच करना है, और ये एक लिस्ट आ गई है स्मार्ट डिवाइस की, तो आपको दिख रहा होगा ये स्मार्ट हीटर, तो मैं इस पर टच कर देता हूँ। अब जो है ये लोकेशन एसेस मांग रहा है, तो वाइल यूजिंग ऐप में करना है आपने, और अब जो है देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का एडवाइस आएगा कि भैया रीसेट योर स्मार्ट हीटर, तो ये बता रहा कि भैया ये बटन दबाओ जिससे ये वाईफाई की जो ये लाइट है ये ब्लिंक करे बार बार। तो ये पहले से ही सेटिंग मोड में है, मैं रीसेट डन पे टच करके नेक्स्ट कर देता हूँ। और अब जो है आप अपने राउटर का पासवर्ड डालेंगे, तो मैं अपने राउटर का पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ। ये कह रहा है कि भैया आपने उस राउटर का पासवर्ड डालना है जिसमें वेवलेंथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली हो, तो मैं जेटेक राउटर का पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों ये पेयरिंग शुरू हो गई है, ये सेम टैप में ही हो रही है, क्योंकि गलती ये हो गई थी कि जो मेरा वाईफाई का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पासवर्ड जो है 5G वाले का डाला हुआ था, यानी कि 5 GHz वेवलेंथ वाला, तो मैंने यहाँ पर जो है आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है राउटर जो है चेंज कर दिया, जेटेक राउटर कर दिया। तो अब जो है
मेरे टैब में जो मेरे राउटर की सेटिंग है या पासवर्ड है वो सब कुछ जो है इस वाईफाई वाले पार्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिर जो है मेरा जो ये स्मार्ट हीटर है वो इस ऐप के द्वारा कंट्रोल होगा। तो दोस्तों जो टाइमर लगा था वो ख़त्म होने वाला है, तो देखते हैं क्या नेक्स्ट होने वाला है। कनेक्शन टाइम आउट, तो रीज़न बता रहा है कि क्यों नहीं हुआ। 4-5 रीज़न है कि भैया या तो आपने इनकोरेक्ट वाईफाई पासवर्ड डाला है, या आपका जो डिवाइस है वो राउटर से दूर है और वाईफाई सिग्नल जो है कमज़ोर है, या आपका डिवाइस जो है कंफर्टेबल है 2.4 GHz नेटवर्क से ही। डिवाइस माइट बी बाइंडेड टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, दोबारा ट्राई करते हैं। तो आपने दोबारा ट्राई अगेन पे टच करना है, और यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं रीसेट डन में जो है मैंने क्लिक कर रखा है, और नेक्स्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे को पासवर्ड शायद दोबारा डालना पड़ेगा, तो पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर ट्राई करता हूँ। टाइमर जो है दोबारा स्टार्ट हो गया, तो वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम जो है अपने स्मार्टफोन पर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये टैप है तो शायद हो सकता है इस कारण से दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई सिम नहीं डली हुई है। तो दोस्तों फाइनली जो है ये हमारा स्मार्ट हीटर है हमारी स्मार्ट ऐप से पेयर हो गया है। तो गलती क्या हो रही थी कि भैया मैंने जो ये बटन है इसको लगातार नहीं दबाया था, मतलब 5-10 सेकंड के बीच दबा के रखना था तो ये ब्लिंक करने लगता, और ये वाली जो लाल लाइट है ये बंद हो गई है, आप ये देखिए, और अब जो है ये बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो जब भी आप अपने स्मार्ट हीटर की पेयरिंग कर रहे हैं पहली बार, तो ये वाला बटन आपने फर्स्ट टाइम ज़रूर दबाना है, तभी आपका ये हीटर पेयर होगा। और मैं आपको ये सारी ट्रबल शूटिंग इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप मेरी वीडियो से समझ सकें कि क्या क्या मिस्टेक आपने नहीं दोहरानी है जो मैं पहली बार कर रहा हूँ। नहीं तो मैं ये चीज़ें काट सकता था, हटा सकता था, पर मैं एक एक चीज़ दिखाता हूँ क्योंकि आप भी सीखें कि ये चीज़ें आपने करनी है। तो चलिए सेव डिवाइस पे टच करना है, और अब जो है ये आप देख रहे हैं एक प्रकार का एनर्जी मॉनिटर आ गया है, तो ये बता रहा है कि आपने इतनी बिजली कंज्यूम की है, और मंथली का भी ये बताता है साथ में। शेड्यूल यानी कि टाइमर या शेड्यूल लगा सकते हैं कि कब आपका हीटर ऑन होना है ऑफ होना है। दोस्तों कुछ सेटिंग है जो कि आपने मैनुअली करनी है, खास तौर पर कितना आप टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं ये आपने मैनुअली रखना है, कौन से मोड पर रखना है ये चीज़ें आपको खुद करनी होंगी। तो जैसे मैं इसको हीटिंग वन पे सेट कर देता हूँ, अब जो है ये टेम्परेचर मैंने यहाँ सेट कर दिया है, ये भी मोड सेट कर दिया कि भैया ये 1000 वाट पे चलेगा। अब जो है मैं इस हीटर को अपने स्मार्ट ऐप से चलाकर आपको दिखाता हूँ। तो अपने कंट्रोल पे टच करना है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं टैप टू टर्न ऑन, तो मैं यहाँ पर टच करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये लाल लाइट जल गई है और मेरा हीटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। अब जो है इसको ऑफ करना हो, टैप टू टर्न ऑफ, तो ये टर्निंग ऑफ आ रहा है, और आप ये देखिए मेरा हीटर आपके सामने ही खुद बा खुद बंद हो गया है। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि इसमें अपने टाइमर कैसे लगाना है, तो आप ये देखिए यहाँ पर टाइमर लिखा हुआ है, तो जैसे आप इसमें टच करेंगे तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं एक ऑन और ऑफ, ऑफ अभी ये ब्लू है, टाइमिंग जो है आवर्स और मिनट में होती है। तो जैसे मैं ऑन पे कर देता हूँ, इधर जो है मैं अराउंड 2 मिनट कर देता हूँ कि 2 मिनट में ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो सेव कर देता हूँ। देखिए ये स्विचिंग ऑफ दिखा रहा है, मेरा तो ये अभी स्विच ऑफ ही है, तो देखते हैं ये एक्चुअल में क्या करता है, तो मुझे 1 या 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो इसने जो है इस हीटर को ऑटोमेटिकली ऑन कर दिया है। और अभी भी इसमें टाइमर है, तो हो सकता है कि 2 मिनट बाद जो है ये इसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर दे, तो मैं वेट करता हूँ। अब जो है 1 मिनट दिखा रहा है, तो ये हमारा जो हीटर है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद 1 मिनट में बंद हो जाना चाहिए। तो ये देखिए अपने आप जो है 2 मिनट में ये खुद ब खुद ऑफ हो गया, और यहाँ से वो टाइमर भी हट गया है। तो सेम कंसेप्ट जो है आप शेड्यूल में भी कर सकते हैं, डे शेड्यूल आप सेट कर सकते हैं कि कितने बजे ये हीटर अपने आप स्टार्ट हो, कितने बजे हीटर अपने आप ऑफ हो। तो इसमें जो है जैसे कीप इट ऑन और रिपीट, तो ये चीज़ें जो है आप एडवांस ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। तो शेड्यूल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। जेन पल्स का जो ये स्मार्ट हीटर है आपको सभी ई कॉमर्स वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वीडियो की डिटेल में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है genpulse.com से भी खरीद सकते हैं, और आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपने करना क्या है, ऐड टू कार्ट पर जाना है,
और उसके बाद जो है प्रोसीड टू चेकआउट पे करना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने दो हीटर डाल दिए हैं और मेरा कूपन कोड डालोगे तो मेरा कूपन कोड है सुखदेव तनेजा इन स्मॉल कैपिटल, और कूपन कोड डालते ही जो है आपको जो है MRP पे जो है 12% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारी पुरानी वीडियो में जो है जेनपल्स का ही स्मार्ट वाईफाई डोर लॉक, स्मार्ट बल्ब या स्मार्ट एनर्जी सेविंग प्लग और जेनवोल्ट ब्रांड में जो है स्टेबलाइजर का रिव्यू दे सकते हैं। तो वीडियो की आई कार्ड में जो है आपको सभी वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।